दो दिन के दौरे पर वाराणसी आए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कोई भी भाषा बोले, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में पिछड़ा वर्ग समुदाय मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने वाराणसी आए हैं। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर भी केशव प्रसाद ने कहा कि श्रीकांत की गिरफ्तारी कौन सी बड़ी बात है, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा और गिरफ्तारी भी लाजमी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इस दौरान उनसे बिहार की सरकार में बदलने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में यहां आए हैं इसलिए इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिभाग करने केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ सी लगी रही। वहीं डिप्टी सीएम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शहर भ्रमण पर भी निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।